जो बांग्लादेश में हुआ है ये पूरी दुनिया के हिंदुओं के साथ होगा। कैसे भी करके, कुछ भी करके एक अपना सनातन वैदिक राष्ट्र बनाओ। लाखों की तादाद में जिहादी कुत्ते, ये आदमखोर पागल तुम्हारे घर के सामने आएंगे। माँ को बच्चे का गोश्त खिला दिया, इसका नाम है इस्लाम मेरी बच्ची, ये इस्लाम है। अरे हिंदुओं, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? हर जगह से भाग लेते हो इन कुत्तों के भय से। तुम्हारे घर में जितनी भी औरतें हैं ना, सारी की सारी मंडियों में बिकेंगी, और मंडियों में बिकने से पहले उनके साथ बलात्कार और होंगे। उसे शस्त्र के लाइसेंस दे दीजिए। अगर छह ने भी बंदूक उठा ली होती तो आज इतिहास दूसरा होता। कम से कम दो तीन बेटे हो और बेटियां और हो। मुसलमान मोहम्मद को मानते हैं, मोहम्मद के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए तुम्हारे घर की औरतों के बलात्कार हो रहे हैं। क्यों भाग रहे हो? कब तक भागोगे? कहां तक भागोगे? जो बेटियों को मार रहे हैं उन्हें मारना शुरू करो। यदि शर्म है तो हथियार उठाओ, एक बाप के बेटे हो तो लो। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, मंदिरों के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, तो भला इन महाराज जी को आप कैसे भूल सकते हैं? इनके दिए हुए वक्तव्य और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, वहीं भारत में यहाँ के हिंदुओं के साथ मुसलमान करेंगे, ये बात ही ये कहे बिना कैसे चूक सकते हैं? एक नया एजेंडा समाज और सरकार को दिए बिना कैसे पीछे रह सकते हैं? भाई साहब, इन्होंने अपना वो पुराना पटकथा जिसके चलते ये हिंदुओं को डराना चाहते हैं, डरा करके उनका वोट बैंक बीजेपी के पीछे ले जाना चाहते हैं, वो शुरू कर दिया है। क्या कहा, कई वीडियो में आज इनकी दिखाने वाला हूँ, तसल्ली बख्श, क्योंकि कई दिन से बोल रहे हैं, जोर जोर से आवाज़ लगा रहे हैं, तो चलिए आपको सुनाई देता हूँ। वैसे तो इनकी वीडियो थोड़े बहुत लोग देखते हैं, लोगों तक संदेश नहीं पहुँचता है, मैं आपको बता दूँ उनका मतलब क्या है, ताकि हमारे हिंदू भाई भी और हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई भी समझ सके कि किसको भड़काया जा रहा है और किसको आम हिंदू की छवि के तले उनकी भावना से खिलवाड़ करके, उनको ड्रा करके हिंदुओं को मुसलमानों का एक तरीके से दुश्मन दिखाने की पूरी इन्वायरमेंट बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं। क्या कह रहे हैं कि अपने घर को लोहे से मजबूत करो, एक दिन ऐसा आएगा कि लाखों की भीड़ तुम्हारे घर के सामने आएगी, उससे अपनी बहन बेटियों को तुम्हें बचाना है, और वो दिन आएगा, जल्द ही आएगा। बच्चे ज़्यादा पैदा करो, घर कम बनाओ, घरों को मजबूत करो। यति महाराज ने इस लाइन से अपना वक्तव्य देना शुरू कर दिया है। किस नाम से डरा रहे हैं? वो लाखों की भीड़ कैसे आएगी, किनकी होगी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जो गलती हमारी पीढ़ी ने करी एक बेटा करके, तुम उस गलती को मत करो। कम से कम दो तीन बेटे हो और बेटियां और हो, और अपने घर को लोहे से मजबूत करो। प्लॉट कम खरीदो, मकान कम बनाओ, बिल्डिंग कम बनाओ, लेकिन अपने घर को मजबूत करो, क्योंकि एक दिन लाखों की तादाद में जिहादी कुत्ते, ये आदमखोर पागल तुम्हारे घर के सामने आएंगे, और तब तुम अपनी बहन बेटी को कैसे बचाओगे, बस ये सोच कर रखना। आगे इन्होंने योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी से एक रिक्वेस्ट की है, हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि देखिए, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, वैसा ही काम इस देश में कहीं पर भी या जहां पर भी पूरे विश्व में हिंदू बसते हैं उनके साथ होने जा रहा है। 2014 में आपकी सरकार आई, आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून उसी समय पर लाना था, लेकिन आप नहीं ला पाए। अब एक बात हमारी मान लीजिए, ये कह रहे हैं, क्या बात, कि एलिजिबल हिंदुओं को हथियार दे दीजिए, ये तो कम से कम कर जाइए। क्यों? क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं हथियार की ज़रूरत पड़ेगी, किस लिए पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, किन से सुरक्षा चाहिएगी, वो ये स्वयं एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे। और साथ में ये भी कह दिया कि बुलडोज़र को लोग भूल जाएंगे, बुलडोज़र से कुछ नहीं होने वाला है, आप हिंदुओं को हथियार दीजिए और आपको हमेशा हमेशा के लिए चिरस्थायी रूप से याद किया जाता रहेगा कि मोदी योगी के राज में हिंदुओं को हथियार दिए गए थे। जो बांग्लादेश में हुआ है ये पूरी दुनिया के हिंदुओं के साथ होगा। आज आप भारत के मुख्यमंत्री, आप आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। केवल हिंदुओं के लिए आप एक काम कर दीजिए, जो भी हिंदू एलिजिबल हो, जो इस योग्य हो,
उसे शस्त्र के लाइसेंस दे दीजिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, अपने खुद की रक्षा करने के लिए शस्त्रों का लाइसेंस दे दीजिए। अब तो समझ जाइए, अब तो आंख खोल लीजिए, अरे कुछ तो कर जाइए कि कल हिंदू आपको याद रखे कि आपको आपने भी उनके लिए कुछ कर दिया। वरना ये बुलडोजर, ये कोई ये कुछ लोगों पर चलने वाला बुलडोजर कोई बदलाव नहीं ला रहा है, केवल सनसनी पैदा कर रहा है। हिंदू को नीर भेड़ बकरी की तरह इन जिहादियों के सामने मत छोड़िए, कुछ तो हिंदुओं को मजबूत कर दीजिए। इनके नफरती भाषणों की एक पूरी सीरीज होती है। अब इन्होंने घर मजबूत करवा दिए, मोदी योगी से हथियार दिलवा दिए, तो हथियार उन पर जंग न लग जाए, उन हथियारों को इनको चलवाना भी है। और जो नहीं उठा पा रहे हैं हथियार होने के बाद भी, तो उनको ये ललकारेगा किस नाम पर? बहन बेटी के नाम पर। ये कह रहा है कि हिंदुओं तुम इतने कायर हो कि तुम अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से अब भाग रहे हो, कैराना से भागे, असम से भागे। अरे 6 लाख कश्मीरी हिंदू भागे थे, कम से कम 6 तो हथियार उठाते। 6 करोड़ बंगाल में हिंदू है, कम से कम 600 तो हथियार उठाते। जब तुम्हारी बहन बेटियों के साथ गलत होगा, रेप किया जाएगा, बलात्कार होगा और तुम भाग रहे हो, और जब ऊपर जाने के बाद उनसे आंख मिलाओगे तो क्या जवाब दोगे? इस बात को नोट कर लीजिए। हम पता नहीं क्यों अपनी बहन बेटियों की दुर्गति करवाकर हर जगह से भाग लेते हैं, हर जगह से भाग लेते हैं। हम अफगानिस्तान से भाग लिए, पाकिस्तान से भाग लिए, बांग्लादेश से भाग लिए, कश्मीर से भाग लिए, कैराना से भाग लिए, असम से भाग लिए, अब बंगाल से भाग रहे हैं, अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाकर, उनकी दुर्गति करवाकर। अरे हिंदुओं, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? हर जगह से भाग लेते हो इन कुत्तों के भैंसे। ये कुत्ते जो दुनिया में किसी से भी नहीं जीत पा रहे। कश्मीर से 6 लाख ब्राह्मण भाग लिए, अगर 6 ने भी बंदूक उठा ली होती तो आज इतिहास दूसरा होता। 6 करोड़ हिंदू हैं बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में, अगर 600 हथियार उठा लेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपका कोई भी नुकसान पहुंचाने का। अरे किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? क्या धन नहीं है तुम्हारे पास? क्या जमीनें नहीं है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे शरीरों में खून नहीं बहता? इनको अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारे अतीत में जितने भी दागे हुए कारतूस थे हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का, वो फेल हो चुके हैं। मटन, मछली, मंगलसूत्र, यूपीएससी जिहाद, लव जिहाद, केरला जिहाद, भांति भांति प्रकार की बातें करके हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की गई थी। हिंदू ज़्यादा संख्या में भड़के नहीं, रोड के ऊपर आए नहीं, दंगे हुए नहीं, मारकाट हुई नहीं। तो इसलिए इनको पता है कि परिवार के ऊपर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करो। हर हिंदू समुदाय के घर में महिला, बहन, बेटी, माता तो होंगी ना, इसलिए इनका नाम लो, उस पर केंद्रित सीधे तौर पर हो गए हैं। इन जैसे लोगों की आजकल आप वाणी सुन लेना, हर लोग हिंदू समुदाय की बहन बेटियों का जिक्र करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इनको पता है इससे घर में जो बैठा हिंदू है उनकी भावनाएं आहत होंगी। हथियार चलाने के लिए खुलेआम कर रहा है, कह रहा है कि एक बाप के बेटे हो तो लड़ो, हथियार उठाओ, ऐसे काम नहीं चलने वाला। भागे भागे कब तक फिरोगे? क्यों भाग रहे हो? कब तक भागोगे? कहां तक भागोगे? और जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा पा रहे, उन्हें भागकर भी क्या मिल जाएगा? यदि शर्म है तो हथियार उठाओ, और यदि निर्लज्ज हो तो कहीं डूब के मर जाओ। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। क्यों बचाने आएगा तुम्हें? ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदा रहकर क्या करोगे? जरा सोचो, भगवान को जाकर क्या जवाब दोगे? जो तुम्हारी बहन बेटियों से बलात्कार हो रहा होगा, उन बेचारियों की आंखों में देखकर क्या कहोगे उनसे? जरा बताओ मुझे। अरे अगर अपने बाप के बेटे हो, एक बाप के बेटे हो तो लो, और दुश्मन को उसकी औकात दिखाओ। मतलब क्या हुआ इसका? ये जमीन तैयार कर रहे हैं यहां के लिए,
एक छोटा सा भी इंसिडेंट आए और हमारे हिंदू समुदाय के लोग हथियार लेकर टूट पड़े, दंगे हों और भाजपा यूं ही राज करते रहे, बेरोजगारी महंगाई जिस एंटी इनकम्बेंसी मोदी की तरफ जो हो रही है वो न हो। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मोदी जी की तस्वीर है, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम जी इनसे गले मिल रहे हैं, वो सामने से आ रहे हैं तो बाहें फैला रहे हैं जैसे 10 को बाद कर्ण अर्जुन मिल रहे हों, कृष्ण सुदामा मिल रहे हों। अनवर इब्राहिम कौन है भाई साहब? इन्होंने हिंदू समुदाय के लड़कों को खुलेआम ऑन कैमरा इस्लाम कबूल करवाया है और मेरे भाई जाकिर नाइक को शरण देने वाला यही देश है और मोदी जी देखिए उनके साथ बाहें फैलाकर गले मिल रहे हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, अब आप मुझे बताइए, आप कह रहे थे कि एक दिन इनकी भीड़ लाखों की संख्या में हिंदुओं के घर के सामने आएगी, पूरी दुनिया में हिंदू कहीं पर भी रह रहे हो उन हिंदुओं को ये नहीं छोड़ेंगे, ये कहना था। लेकिन मलेशिया का प्रधानमंत्री भी तो मुस्लिम है और मोदी जी उनसे गले मिल रहे और मोदी जी से आप हथियार देने का आग्रह कर रहे हैं ये विरोधाभास नहीं? वाह, इससे क्या संदेश मिलेगा? मोदी जी लोकसभा चुनाव के दौरान मटन मछली मंगलसूत्र घुसपैठिए मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले में बांटेंगे, ये मोदी जी के ही तो शब्द हैं और बाहर जाते ही आप बाहें फैलाने लगते हैं, अरब कंट्रीज़ के शेखों से आप गले मिलकर फूला नहीं समाते हैं, मतलब क्या हुआ? आपको बाहर के मुस्लिम प्रिय है लेकिन देश में आपको नफरत रखनी है। एक भी नफरतबाज चिंटू मुझे बता दीजिए जब मोदी जी अरब कंट्रीज़ के जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं और गले फैलाकर हाथ बाहे यूँ फैलाकर कर्ण सुदामा और कर्ण अर्जुन और कृष्ण सुदामा की तरह मिल रहे हैं, तो जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं एक भी लफ्ज ये लोग निकालते हैं? नहीं निकालेंगे। इनको पता है कि नफरत को हमें, इनको एजेंडा जो दिया गया है भारत तक ही केंद्रित रखना है। इनको मोदी योगी के ऊपर प्रशंसित इस तरह की तस्वीरें दिखाकर खड़े करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि असल चाल चरित्र चेहरा क्या है, बाहर तो ऐसे ही रहना, मन में तो कुछ हो रही है। अगर इतने ही मुसलमान इस देश के लिए खतरनाक होते तो मोदी जी क्यों मिल रहे हैं उनसे, उस देश के जनप्रतिनिधियों से क्यों मिल रहे हैं, उन देशों को स्किप क्यों नहीं कर देते? क्या एक देश के बिना हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती? लेकिन आप आम हिंदुओं को भड़काना है, आम मुसलमानों को इस तरह की हेट स्पीच से उत्तेजित करना है ताकि वो काउंटर कुछ कर दें, कम से कम एक तो निकल कर आए, कुछ ना कुछ तो वो करे, उसके बाद जो हिंदू भड़काए हैं उनको उनके साथ लड़ा दो, बस मन बन गया। समझो आपके दिमाग के साथ, सुने जिस तरीके से किस तरीके से खेला जा रहा है। भाई साहब यति जी को तो पूरे दुनिया के हिंदुओं की चिंता है लेकिन मोदी जी को देखिए बिल्कुल नहीं है, योगी जी को नहीं है और कैसे गले मिले समझो मेरे भाई, ये पूरे नफरती चिंटू धर्म के ठेकेदार, कोई भगवा पहने हैं, कोई हेट स्पीच दे रहा है, कभी बांग्लादेश मुद्दे पर, कभी CA NRC मुद्दे पर, ये मुँह दिखाने के लिए आ जाते हैं क्योंकि ये सत्ता संरक्षित है, पूरा माया जाल चल रहा है जिसमें गोदी मीडिया भी शामिल है। जी हाँ, ये कोई भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है उसको उनको बदनाम करने के लिए हिंदू मुस्लिम को एंगल देने में तनक भी गुरेज नहीं करते हैं। प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही, पत्थरबाज, आतंकवादी विपक्ष के द्वारा पराजित, और कांग्रेस तो मुसलमानों की है ही, तभी तो इनकी सरकार बनी रहेगी ना, कांग्रेसियों को मुसलमानों के पक्षधर बताना है। यही नहीं रोके, महाराज जी की और भी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इन्होंने चैलेंज किया, दिखाना चाहा कि हालत क्या है, 370 हट गई J&K में, जाकर दिखा दो ना, एक भी हिंदू बसकर दिखा दो। अरे कश्मीर का छोड़िए, दिल्ली में जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके हैं कम से कम वहाँ तो बसकर दिखा दो तुम, 8 साल रुक जाओ, 8 साल के बाद गौ माता को तो छोड़िए सरियाम तुम्हारी बहन बेटियों की मंडी लगा पड़ेगी। 370 हट गए, जाके देख एक आदमी रहकर तो देखो कश्मीर में। अरे तुम्हारे दिल्ली में जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो गए वहां तो हिंदू रह नहीं पा रहा, लेकिन हिंदुओं को चाहिए फर्जी बातें, झूठे नारे। 8 साल और निकाल लो सोते हुए ऐसे ही, जैसे तुमने हजारों साल निकाल दिए ना, केवल 8 साल और तुम्हें ऐसे ही सोना है, फिर धरती की कोई ताकत, तुम्हारी घर में जितनी भी औरतें हैं, तुम गाय की रक्षा की बात कर रहे हो, गाय तो आएगी मुसलमानों के खाने के काम केवल, लेकिन तुम्हारे घर में जितनी भी औरतें हैं ना, सारी की सारी मंडियों में बिकेंगी, और मंडियों में बिकने से पहले उनके साथ बलात्कार और होंगे। आ गए ना परिवार तक, माताओं बहनों तक, इनको पता है उसी से लोग उठ सकते हैं घर से, वरना सारे जितने 30 में कारतूस छोड़े थे वो तो फुस हो गए हैं, वो काम ही नहीं कर रहे, लोग सड़कों पर ही नहीं आ रहे। 8 साल का अल्टीमेटम दिया है, 8 साल के बाद
गोमाता को तो वो खाएंगे ही खाएंगे, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ गलत होगा, घर से निकालेंगे, उनकी मंडी लगाई जाएगी। भाई साहब, इसलिए इन्होंने कहा है जिसको आप मानते हो उन जैसा बनने को कोशिश करो। हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान जी जैसा, राम जी को मानते हो तो राम जी जैसा, वाल्मीकि जी को मानते हो महर्षि वाल्मीकि जैसा बनो। मुसलमान मोहम्मद को मानते हैं इसलिए मोहम्मद जैसा ही बनने का कोशिश करते हैं, इनकी वर्डिंग है, इसलिए वो बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। मोहम्मद साहब के बारे में ये वक्तव्य इस व्यक्ति के हैं। जिसको भी मानते हो उसके जैसा बनने की कोशिश करो। मुसलमान मोहम्मद को मानते हैं, मोहम्मद के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए तुम्हारे घर की औरतों के बलात्कार हो रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी गाय खाई जा रही है। जिस दिन तुम राम बनने की कोशिश करोगे, जिस दिन कृष्ण बनने की कोशिश करोगे, उस दिन समाधान निकलेंगे। गाय बचाना चाहते हो, अगर गाय तुम्हारी माँ है तो अपनी माँ के लिए कोई कानून मत मांगो, कानून तो दूसरे मांगेंगे। जिस दिन तुम अपनी माँ के हत्यारों को मारना शुरू कर दोगे, दूसरे मांगेंगे। बेटी के लिए कानून मत मांगो, जो बेटियों को मार रहे हैं उन्हें मारना शुरू करो, उसके बाद कानून वो मांगेंगे। और अपनी आबादी बढ़ानी शुरू करो, जनसंख्या नियंत्रण कानून वो मांगेंगे। अब इनका क्या ही अर्थ निकाला जाए वो मैं आप सबके ऊपर छोड़ता हूँ। आगे भी इन्होंने बहुत कुछ बोला है कि देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून तुम मत मांगो, वो मांगेंगे। कैसे? मारना शुरू करो, काटना शुरू करो, गौ माता के हत्यारों को काट दो, मार दो। गौ माता के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए कानून वो लोग मांगे। यानी आखिर तक आकर के इन्होंने अपने मन की जो मनसा थी वो सबके सामने पूरी कर दी कि हथियार उठा लो और रोड के ऊपर आ जाओ, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का खुला आगाज कर दो। लेकिन हम क्या समझ नहीं सकते? हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई क्या समझ नहीं सकते इनकी मनसा क्या है? ये भोगते रहते हैं, ये भाषण देते रहते हैं, हर समय पर ये नरगल बातें करते रहते हैं, लेकिन इन्हीं के कमेंट में लोग गाली देकर इनको चले जाते हैं, कोई समाज में प्रभाव नहीं पड़ता। उनको पता है कि आखिर में काम भाईचारे से ही चलना है, हर लोग मुसलमान इस देश के यही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाला है। भाई साहब, आप मुझे बताइए, अगर मुसलमानों से आपको इतना ही परहेज है तो चारा क्या है आपको? मुसलमानों को इस देश से तो निकाल नहीं सकते, वो बाई फोर्स नहीं है, बाई चॉइस यहाँ पर है। जो भाषण आप देते हैं, इसी तरह के भाषण अगर सऊदी कंट्रीज हैं, सऊदी अरब की कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनकी तरफ मैं नज़र दौड़ाना चाहता हूँ, वहाँ इसी तरह के भाषण मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं के खिलाफ देने लग जाएंगे तो क्या होगा? कितने सारे हमारे हिंदू भाई वहाँ पर रोजगार पा रहे? वहाँ पर ऐसी नफरती घटनाएं क्यों नहीं हो रही है, मुझे बताइए? हिंदुओं के साथ क्यों नहीं हो रही हैं? मुस्लिम कंट्रीज है ना, आप बांग्लादेश और पाकिस्तान का तो जिक्र कर देते हैं, लेकिन अरब कंट्रीज का आप जिक्र कभी नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कानून ऐसा बनाया गया है वहाँ की सरकार के द्वारा कि एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाकर माहौल खराब करके अपने पक्ष में राजनीति नहीं कर सकता। तो मोदी जी और योगी जी को बोली, अगर मुसलमान इतने खराब हैं तो सख्त कानून बनाएंगे, सऊदी अरब जैसे कानून बनाएंगे, सब हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे। किस लिए आम हिंदुओं को भड़का करके सड़क पर ला करके उनके हाथ में चाकू तलवार और बंदूक दे रहे हैं जेल में सड़ाने के लिए? उनको मोदी योगी किस लिए बैठे? बाहर वाले मुसलमानों से गलबैया लड़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे कस करके उनको, और देश के मुसलमानों से नफरत करेंगे? कानून से राज होगा। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हर समुदाय में गलत है, हर तरह के व्यक्ति हैं, हर तरह की मानसिकता होती है, चरमपंथी कट्टरवादी हर धर्म और हर जाति में हैं। कानून सख्त कीजिए उनको रोकने के लिए। अरब कंट्रीज़ का भी नाम लीजिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक सीमित मत रहिए। आपको नागरिकता देनी है, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, अब दे दीजिए, लेकिन उसकी आड़ में आप एक ऐसे नफरती भाषण करेंगे, यहाँ के मुसलमानों को उन देशों में खदेड़ने का ऐलान करेंगे, यहाँ सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, इस देश में हर धर्म के लोग रहेंगे, ये आपकी जो मनसा आप पाले बैठे हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर लड़ाते रहें, ये आपकी कभी पूरी होने वाली नहीं है। लोकराज लोकतंत्र से चलता है और वो चलेगा। नमस्कार।